छिंदवाड़ा जिला के अमरवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंगलवार 16 जुलाई को रोड शो कर आभार सभा को संबोधित किया एवं 127 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा की जीत आपकी जीत है, लोकतंत्र की जीत है। लोकसभा चुनाव के पहले लोग कह रहे थे कि ये इनका गढ़ है, उनका गढ़ है। हमने कहा था कि ये किसी का गढ़ नहीं है, सब गड़बड़ है। छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा की जीत के साथ जनता जनार्दन ने इसे सही साबित कर दिया है, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा की जनता का अथाह विश्वास है। जनता के इसी विश्वास और आशीर्वाद से भाजपा को लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा और अब अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। आभार सभा को अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने भी संबोधित किया। आभार सभा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने शक्ति केंद्र प्रभारियों व संयोजकों की बैठक ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार छिंदवाड़ा का स्थानीय बेटा सांसद बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कोई वादा अधूरा नहीं रहेगा। चुनाव के दौरान हमने जो वादे किए थे, आप सभी को ये भरोसा दिलाता हूँ कि उनमें से कोई वादा, कोई आश्वासन अधूरा नहीं रहेगा। आज भी हमने 127 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है और आपकी अन्य मांगे भी पूरी करेंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। चुनाव जीतने के बाद हमारा पहला दौरा हुआ मेरे साथ माननीय सांसद राव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर श्रीमान शर्मा जी मौजूद है। हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर उपचुनाव जीतने का जनता के बीच आभार मनाने भी आए और जो हमने कमिटमेंट किया था जनता के साथ कि हम सब मिलकर के एक बार चुनाव जीतने के बाद विकास के अंदर सरकार के द्वारा मदद करेंगे, सरकार के द्वारा सभी घोषणाओं के पालन के दिशा में। आज पहली हमने सबसे पहले औद्योगिक निवेश की जो हमने बात कही थी उसकी मीटिंग की, न केवल छिंदवाड़ा पांडुरना बल्कि पूरे जबलपुर संभाग में रीजनल जो हमारी सबमिट होने वाली उसकी प्री मीटिंग की है और जो भविष्य के दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में उद्योग की जो संभावना है ऐसे सारे उद्योगपतियों को ला करके बिठा करके एक टेबल पर बात की है। ऑनलाइन चार जिलों पर जुड़े हुए लोगों को बात की है, जो उद्योग चला रहा है उनकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया और विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी बताया गया। और एक सेक्टर में सभी सेक्टर में जैसे हमारी फूड इंडस्ट्री की संभावना है, माइनिंग आधारित उद्योग जो खदान आधारित हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट यहाँ बने, हमारी अपनी एग्रीकल्चर बेस से लेकर के और भी जो जो संभावना है सभी क्षेत्रों में समान रूप से सरकार प्रोत्साहन लेकर के हमारे छिंदवाड़ा को एक आधुनिक छिंदवाड़ा के रूप में बनने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे चुनाव में सबने प्राणपण से खास करके जनता ने जो सत्ता के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, सरकार और माननीय संगठन के अध्यक्ष कपिल शर्मा जी हम दोनों ने आभार भी माना और अभी आभार सभा में जाने वाले। छिंदवाड़ा के लोकसभा में विजय के इतिहास के बाद पांडोर हमारे अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव में जीत का इतिहास बना उसके लिए मैं अमरवाड़ा की जनता का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ। ये जो जीत है छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व डबल इंजन की सरकार में विकास के जो काम है, गरीब कल्याण जो मैंने कभी छिंदवाड़ा में कहा था कि अगर छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ और आज उसी लिए विजय का इतिहास छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा के अंदर बना है। मध्य प्रदेश ने इस बात के लिए इतिहास रचा है तो मैं जनता का धन्यवाद करता ही हूँ। लेकिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे भाई बंटी साहू हों जो आज लोकसभा के सम्मानीय सदस्य हैं या अमरवाड़ा के अंदर कमलेश शाह हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से आज हमने अमरवाड़ा में विजय का इतिहास बनाया है। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, विजय हमको मिली है। हमने अपने संकल्प कि हम विकास के प्रति प्रतिबद्धित हैं, अब विकास छिंदवाड़ा का तो अब होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ और कौन कौन सी संभावनाएं इस पर आज बात की है, और एक रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास शुरू हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उठाया है। और जो जो कमिटमेंट थे, आज उन कमिटमेंट पर भी जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उन सारे कमिटमेंट को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं पुनः एक बार अमरवाड़ा की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से राजेश उइके की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।